हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का शिखर के ऑनलाइन एजुकेशन पर। आज हम बात करने जा रहे हैं जो अपने 500 क्वेश्चन की जो सीरीज थी पशुपालन की, उसमें आगे की तरफ बढ़ते हैं। बच्चे हैं जितेंद्र यादव जी, हेलो सर। अभिनव परमार जी, गुड इवनिंग बेटा। पूजा जी, गुड इवनिंग। धर्मेंद्र राजपूत जी, हाय बेटा। राकेश शर्मा जी, गुड इवनिंग। सभी को गुड इवनिंग। चलो अपने शुरुआत करते हैं अपने प्रश्नों की। आवाज सभी को सही आ रही है? आवाज में तो कोई दिक्कत नहीं है? चलो ठीक है बेटा, आ जाओ। पहला क्वेश्चन है अपना, निम्न में से गाय की दुधारू नस्ल है। पूछा इन्होंने गाय की दुधारू दुधारू दूध देने वाली नस्लें कौन सी इनमें से। राकेश शर्मा जी, गुड इवनिंग। पहला है खिल्लारी, दूसरा है गिर, तीसरी हरियाणा और चौथा है नागौर। पहला प्रश्न अपना, गाय की दुधारू नस्लें कौन सी है। यहाँ कौन सा ऑप्शन सही होने वाला है बेटा, जल्दी से बताएं कौन सा ऑप्शन यहाँ सही होने वाला। दुधारू गाय की कौन सी नस्ल है, जल्दी से बताएं दुधारू गाय की कौन सी नस्ल है। धर्मवीर जी करें राम 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 बेटा सभी को। धर्मेंद्र पिलाने जी करें राम 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 बेटा। राकेश शर्मा जी का जवाब आ रहा है बी, धर्मवीर जी बता रहे हैं सी। चलो जवाब राकेश शर्मा जी का बी आ रहा है। जिसने भी जवाब दिया है बी बेटा, बिल्कुल यहाँ सही होने वाला है। जो गाय की दुधारू नस्ल है वो कौन सी है, बी गिर है। गिर के अलावा बेटा सिंधी, इसके अलावा कौन सी, साहिवाल और देवनी। सिंधी, साहिवाल, देवनी और गिर, ये कौन सी बेटा दुधारू नस्ल है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सभी का सही जवाब है। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है अपना 122 नंबर का, सबसे अधिक वसा प्रतिशत, सर्वाधिक वसा प्रतिशत पूछी है कौन से, भैंस के दूध में उपस्थित कौन सी, भैंस के दूध में सर्वाधिक वसा। डब्ल्यू टाइगर जी गिर, गुड मॉर्निंग बेटा, सॉरी गुड इवनिंग, राम राम। पहला ऑप्शन है भदावरी, दूसरा है जाफराबादी, तीसरा है सूरती और चौथा है मुर्रा। इसे तो कहता है बेटा दिल्ली की भैंस, तो मूल स्थान हो गया इसका रोहतक, हिसार हरियाणा, सूरत इसका है गुजरात, इसका है जाफराबाद क्षेत्र और इसका है आगरा यूपी, भदावरी स्टेट आगरा यूपी। बताएं कौन सा हुआ। पूजा जी बता रहे हैं 13%, राकेश शर्मा जी का जवाब ए है। पूजा जी बता रहे हैं जाफराबादी, बेटा कहां भूल रहे हो, जाफराबादी नहीं होती है। धर्मेंद्र प्रधान जी बता रहे हैं ए, बिल्कुल जिसने भी ए भदावरी बताया बेटा वो सही है। जाफराबादी को कहते हैं बेटा छोटा हाथी, छोटा हाथी, मिनी एलिफेंट। जाफराबादी कौन सा है, मिनी एलिफेंट। जीतू राजपूत जी बता रहे हैं ए, धर्मेंद्र पिलानिया जी का ए, धर्मवीर जी बता रहे हैं ए, डब्ल्यू टारगेट जी बता रहे हैं फैट 12 से 14, बिल्कुल सही बता, फैट होती है 13.5% तक, कितनी होती है 13.5%। पूजा जी बता रहे हैं बदावरी, अब सही आपका, ओके पूजा जी 13% बेटा सभी का सही है। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है अपना, राष्ट्रीय पशु आनुवांशिकी ब्यूरो, राष्ट्रीय पशु आनुवांशिकी ब्यूरो कहां पर स्थित है। राष्ट्रीय पशु आनुवांशिकी ब्यूरो NBAGR, पहले बता दें भारत में जो राष्ट्रीय ब्यूरो है बता, भारत में राष्ट्रीय ब्यूरो NB कितने हैं, 6 हैं। भारत में राष्ट्रीय ब्यूरो कितने हैं, 6 हैं बेटा। NBAGR, NBPGR, NBFGR, NBSS and LUP, NBAII और NBAIM, उसमें से पूछा है NBAGR कहां स्थित है। पहला ऑप्शन है पंजाब में, दूसरा हरियाणा, तीसरा यूपी और चौथा है MP। अनुभव परमार जी बता रहे 123 में बी, जीतू जाटपुर जी बता रहे हैं बी, पूजा जी बता रहे हैं बी, धर्मेंद्र पिलाना जी बता रहे हैं बी, राकेश सॉरी डब्ल्यू टाइगर जी बता रहे करनाल हरियाणा बी बता रहे हैं, धर्मवीर जी बता रहे हैं, धर्मवीर लोधी जी हैं धौलपुरिया से बी बता रहे हैं, जीतू बड़ास बासोटा जी बता रहे हैं बी, राकेश शर्मा जी बता रहे हैं बी, जीतू बासोटा करनाल हरियाणा, पूजा जी बता रहे हैं करनाल हरियाणा, बिल्कुल बेटा करनाल हरियाणा बी सभी का सही है। NBAGR कहां है, NBAGR कहां, करनाल हरियाणा बेटा। पूछ ले NBPGR, NBPGR बताएं जल्दी से, NBPGR कहां है,
एनबीपीजीआर। सेन जी का गुरुदेव राम राम बेटा, राम राम। इनका भी दो नंबर सही बता रहे हैं। एनबीएजीआर बता दिया, एनबीपीजीआर कहां है? बिल्कुल सही, दिल्ली बता रहे हैं। एनबीपीजीआर कहां है बेटा? दिल्ली में, सही है। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है अपना, संकर प्रजनन द्वारा गाय की कौन सी नस्ल विकसित की गई है? क्रॉस ब्रिड की बात की, क्रॉस ब्रिड, क्रॉस ब्रिड काऊ कौन सी है बेटा? पहला ऑप्शन है यहां करण फ्रिस, दूसरा है करण स्विस, तीसरा है जर्सिंद और चौथा है उपरोक्त सभी। कौन सा सही होने वाला है यहां? जो संकर नस्लें हैं वो कौन सी है? सैनी जी बता रहे हैं सभी, पूजा जी बता रहे हैं बी, धर्मेंद्र पिलानी जी बता रहे हैं डी, पिलानी जी बता रहे हैं ऑल, सभी, पूजा जी बता रहे हैं डी, जीतू बड़ासर बासोटा जी बता रहे हैं डी, पूजा जी बता रहे हैं ऑल, सैनी जी बता रहे हैं चार। बिल्कुल जिसने भी सभी बताई है वो सही है। जर्सिंद भी है, जर्सी और सिंधी का, करण स्विस और करण फ्राई भी क्या है? करण फ्रिस भी है, क्या है? संकर नस्लें। राकेश शर्मा जी का सही है, सैनी जी का सही है, जीतू पूजी का सही है, सभी का सही है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो अपना प्रश्न है वो है, निम्न में से गाय की दुधारू नस्ल, गाय की दुधारू नस्ल कौन सी है? पहले भी ये प्रश्न आया हुआ है, उस समय शायद ऑप्शन चेंज थे, अब चेंज फिर से प्रश्न आया गाय की दुधारू नस्ल का। यहां गाय की दुधारू नस्ल कौन सी होने वाली है? पहला ऑप्शन है थारपारकर, दूसरा है कांकरेज, तीसरा है साहिवाल और चौथा है हरियाणा। इनमें से गाय की ऊपर की दो नस्ल एनडीआरआई, बिल्कुल बेटा पहले वाले दो नस्ल थे वो एनडीआरआई की थी। अनुभव परमार जी बता रहे हैं सी, धर्मेंद्र पिलानिया जी बता रहे हैं बी, पूजा जी बता रहे हैं सी, सैनी जी बता रहे हैं साहिवाल। बिल्कुल जिन्होंने भी सी बताया है, साहिवाल बताया है, नंबर थ्री बताया है, वो सभी सही है। सैनी जी का सही है, राकेश शर्मा जी का सही है, जीतू बिड़ा बासुरा जी का सही, विनोद कुमार जी आपका भी सी सही है। बिल्कुल जिसने सी जवाब दिया है उनका सभी का सही, विनोद कुमार जी का सी सही है, जीतू बासुरा जी का साहिवाल सही है, विनोद कुमार जी सही है आपका। चलो अगला प्रश्न पढ़ते हैं हम। अगला है, गाय की कौन सी नस्ल विदेशी है? कौन सी है विदेशी नस्ल, कौन सी है? जल्दी से बताएं, यहां है ब्राउन स्विस, दूसरा है रेड डेन, तीसरा है फ्रिजियन, उपरोक्त सभी। कौन सी नस्ल विदेशी है? बासुरा जी बता रहे हैं डी, धर्मेंद्र पिलान जी बता रहे हैं ऑल, सैनी जी बता रहे हैं चार, धर्मवीर लोधी जी बता रहे हैं डी, पूजा जी बता रहे हैं डी, सैनी जी डी, विनोद कुमार जी डी, जीतू बासुरा जी डी, राकेश शर्मा जी बता रहे हैं यहाँ सी, कुमार जी बता रहे हैं डी, पूजा जी डी, सभी का डी ऑल सही है, धर्मेंद्र पिलान जी बता रहे हैं डी। तो यहाँ उपरोक्त सभी ऑप्शन सही होगा। ब्राउन स्विस स्विट्जरलैंड, कहाँ की है? स्विट्जरलैंड। रेड डेन बेटा डेनमार्क की, होलिस्टन फ्रिजियन है हॉलैंड या नीदरलैंड की। तो सभी कौन सी है? विदेशी नस्लें है। राकेश शर्मा जी, विनोद कुमावत जी, पिलानिया जी, राकेश शर्मा जी, सभी का सही है। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। जो अगला प्रश्न है अपना वो है, निम्न में से गाय की कौन सी नस्ल, गाय की कौन सी नस्ल मारवाड़ की है? मारवाड़ का मतलब यहां है राजस्थान से, मारवाड़ी की है, बताएं जल्दी से। राजस्थान का मतलब है यहाँ हॉलैंड नीदरलैंड, बिल्कुल सही है बेटा आपका। जल्दी से बताएं कौन सा ऑप्शन यहां सही होने वाला है। अभिनव परमार जी 127 में ए बता रहे हैं नागौरी, अभिनव जी बता रहे हैं ए, जीतू जी बता रहे हैं डी, पूजा जी बता रहे हैं, धर्मेंद्र पिलाना जी बता रहे हैं बी। जल्दी से बताएं बेटा, पूजा जी बता रहे हैं नागौरी, यहां नागौरी बिल्कुल सही है। मारवाड़ी का मतलब होता है बेटा राजस्थान, और यहां मालवी का देखें तो मूल स्थान कौन सा हो गया? मालव क्षेत्र एमपी का हो गया। अमृत महल पूछे तो बेटा कर्नाटक की होगी, मैसूर कर्नाटका की है। किसकी है? मैसूर कर्नाटक, जोधपुर नागौर सही है। तो यहां मारवाड़ी कौन सी बेटा? नागौर नस्ल, उपरोक्त सभी यहाँ ऑप्शन में नहीं होगा। विनोद कुमार जी का सही है, गौरव दोसा माहो महवा उनका भी सही है। आगे प्रश्नों की बात करें, विनोद कुमार जी का सही है, सभी का जो इन्होंने ये जवाब दिया उनका सही है। पूजा जी बता रहे हैं मावी, मालवी एमपी, बिल्कुल सही है। अगले चलते हैं, भारत में किस राज्य में सर्वाधिक ऊंटों की संख्या? मैंने बताया था विश्व में सर्वाधिक ऊंट, विश्व में सर्वाधिक ऊंट है बेटा सोमालिया,
कहां है? सोमालिया। अब पूछा है भारत में सर्वाधिक ऊंट, ये जो आपको बताना है, फिर बताना राजस्थान में सर्वाधिक ऊंट कौन से जिले में। पहला ऑप्शन है यहाँ यूपी उत्तर प्रदेश के लिए, दूसरा राजस्थान के लिए, तीसरा गुजरात और चौथा आंध्र प्रदेश के लिए। जीतू जी बता रहे हैं राजस्थान में, अनुभव परमार जी बता रहे हैं बी, धर्मेंद्र प्लान जी बता रहे हैं बी, धर्मवीर लोधी जी बता रहे हैं बी, धर्मेंद्र प्लान जी बता रहे हैं राजस्थान, पूजा जी बता रहे राजस्थान, विनोद कुमार जी बता रहे हैं बी, जीतू बासवा जी बता रहे राजस्थान, सभी ने बताया राजस्थान। तो यहाँ दूसरा ऑप्शन है सही होने वाला, राजस्थान बिल्कुल सही ऑप्शन है यहाँ के लिए। गौरव दोसा महवा से बता रहे हैं बी, बिल्कुल सही है आपका। पूजा जी बता रहे जैसलमेर में, बेटा जैसलमेर में थे। अब बात करते हैं बाड़मेर की। राजस्थान में ऊंट संख्या 85%, राजस्थान में बीकानेर नहीं था, राजस्थान में 85% है कुल भारत के, लेकिन बीकानेर में नहीं है, बाड़मेर में ऊंट बकरी और भेड़ तीनों ही बाड़मेर में। विनोद कुमार जी बी। कम प्रतापगढ़, हाँ सबसे कम ऊंट प्रतापगढ़ में। चलो संख्या बताएं, बहुत अच्छी बात है, आपकी अच्छी तैयारी है। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ऊंट का राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र एनआरसी, राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र ऑन केमल, जल्दी से बताएं ये कहां होने वाला है। एनआरसी ऑन केमल, पहला है जैसलमेर, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है बाड़मेर, थर्ड ऑप्शन है अपना बीकानेर और चौथा है जोधपुर। इसमें एक चीज और ध्यान रखना, विश्व में एकमात्र सफेद ऊंट, दूसरा ऊंट दूध डेयरी, ये कहां है, दोनों प्रश्न भी बताने हैं। धर्मवीर जी बता रहे हैं सी, पूजा जी बता रहे हैं सी, विनोद कुमार जी बता रहे हैं सी, राकेश शर्मा जी बता रहे हैं सी, विनोद कुमार जी सी, बिल्कुल जिसने भी सी बताया है उनका सही है। विनोद कुमार जी बता रहे हैं तीन, बिल्कुल यहां एनआरसी ऑन केमल कहां है, बीकानेर में, जोरबीर बीकानेर सही है। पूजा जी बता रहे हैं बी, जीतू राजपूत जी बता रहे हैं बी, डब्ल्यू टारगेट जी है जोहर बीड बीकानेर, बिल्कुल सही है। तो विश्व में एकमात्र सफेद ऊंट कहां है बेटा, एनआरसी ऑन केमल बीकानेर में ही है, और ऊंट दूध की डेयरी भी कहां है, बीकानेर में, जोर बीड बीकानेर, सभी का सही जवाब बी, बिल्कुल सही है सभी के लिए, इसी में है सर। हाँ बेटा सैनी जी बता रहे हैं इसी में है ये दोनों चीजें, एकमात्र सफेद ऊंट भी यहाँ है, ऊंट की डेयरी भी, ऊंट दूध की डेयरी भी यही है। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, सभी का जवाब सही है इसी में, सभी का जवाब सही है बेटा। आगे चलते हैं, गाय की सबसे अधिक दूध देने वाली विदेशी नस्ल, सर्वाधिक दूध देने वाली विदेशी नस्ल, यहां बेटा देसी नस्ल की भी हम बात करने वाले हैं, सर्वाधिक दूध देने वाले देसी और विदेशी नस्ल, विदेशी बतानी है, पहले है रेड डेन, दूसरे फ्रीजियन, तीसरे जर्सी है, इनमें से कोई नहीं, जल्दी से बताएं। सभी का जवाब आ रहा है दो, कोई बता रहा है बी, अभिनव परमार जी बता रहे हैं बी, डब्ल्यू टारगेट जी बता रहे हैं होलिस्टन फ्रीजियन, धर्मवीर जी बता रहे हैं सी, पूजा जी बता रहे हैं बी, जिसने भी बी बताया उनका, विनोद कुमार जी बता रहे हैं सी, बेटा जर्सी नहीं है, जर्सी में अगर वसा पूछ ले विदेशी गायों में सर्वाधिक वसा तो जर्सी सही है, सर्वाधिक वसा में जर्सी सही है। दूध बता रहे हैं 6,000 लीटर प्रति व्यात, ये भी बेटा सही है, तो यहां ऑप्शन है बी सही होगा, सभी का सही है। पूजा जी बता रहे हैं बी, सभी का सही, राकेश शर्मा जी का सी है, तो ध्यान रखना वसा है इसमें। अब देखें देसी गाय में कौन सी बेटा, साहिबा, सर्वाधिक दूध वाली, पूछ ले मीठे दूध वाली तो भी कौन सी होगी, साहिवाल, सर्वाधिक वसा पूछ ले तो भी कौन सी होगी बेटा, साहिवाल, देसी नस्लों में सारा ही काम साहिवाल का है, दूध पूछे तो साहिवाल है, वसा पूछे तो साहिवाल है, मीठा दूध पूछे तो भी कौन सी है, साहिवाल, विदेशी में वसा देसी में है, ज्यादा दूध किसका है, होलिस्टन फ्रीजियन का। जीतू 4,000 से 6,000, पूजा जी बता रहे हैं साहिवाल, बिल्कुल सभी का सही जवाब है यहाँ। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, मुर्गी में फैलने वाली बर्ड फ्लू बीमारी किससे जनित है, मुर्गी में फैलने वाली बर्ड फ्लू बीमारी, मुर्गी में फैलने वाली बर्ड फ्लू बीमारी किससे संबंधित है, पहला दे रखा है जीवाणु से, दूसरा है वायरस, तीसरा प्रोटोजोआ, उपरोक्त सभी। बर्ड फ्लू जो रोग है पक्षियों में होने वाला, मुर्गियों में होने वाला, वो किससे है,
जल्दी से बताएं, बर्ड फ्लू रोग किससे होता है मुर्गियों में? जी सर, मेरे कमेंट और है क्या? सैनिक सर, मेरे कमेंट और है क्या? नहीं बेटा, तेरा कमेंट वही है जो तुम दे रहे हो, वही है, चेंज नहीं हुआ। डब्ल्यू टारगेट जी बताते हैं वायरस, सैनी जी बता रहे हैं दो, विनोद कुमार जी बता रहे हैं दो, राकेश शर्मा जी बता रहे हैं बी, गौरव दोसा महवास बता रहे हैं दो, जीतू भास्कर जी बता रहे हैं बी, धर्मवीर जी बता रहे हैं बी, विनोद कुमार जी बता रहे हैं बी। सभी का जवाब है यहाँ है वायरस, तो बिल्कुल ये ऑप्शन है सही है। मुर्गियों में फैलने वाली जो बर्ड फ्लू है बेटा, वो किसके द्वारा होती है? वायरस के द्वारा होने वाली बीमारी है। बिल्कुल सही जवाब है सभी का, दो नंबर। ओके चलो अगले पर्सन की तरफ बढ़ते हैं हम। अगला पर्सन अपना, गोवंशीय पशुओं की नाड़ी गति प्रति मिनट कितनी होती है? नाड़ी गति की बात करें गोवंशीय पशुओं में प्रति मिनट कितनी होती है? पहला है 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60। गोवंशीय पशुओं में नाड़ी गति कितनी होती है? गोवंशीय पशुओं की नाड़ी गति प्रति मिनट कितनी होती है? सैनी जी बता रहे हैं बोरीडोटा द्वारा, बिल्कुल सही है। तो यहां जो उत्तर होने वाला है 132 का बेटा, वो कौन सा होने वाला है? सी, 40 से 50। जैसा कि जवाब आ रहा है 40 से 50, सभी का जवाब आ रहा है। जीतू राजपूत जी बता रहे हैं बी, बी नहीं बेटा सी होगा। सैनी जी बता रहे हैं सी, 40 से 50 सही है। धर्मवीर जी बता रहे हैं बी, राकेश शर्मा जी बता रहे हैं सी, गौरव दोसा से बता रहे हैं सी, पूजा जी बता रहे हैं बी, विनोद कुमार जी भी, सैनी जी बता रहे हैं 40 से 50। सैनी जी सही है आपका। अगला आता है सामान्य भेड़ बकरी की, वहां गोवंशीय पशु की गाय भैंस की पूछी थी, यहां भेड़ बकरी की नाड़ी गति पूछ ली बेटा, बताएं कितनी होगी? भेड़ और बकरी की नाड़ी गति कितनी होने वाली है यहाँ? 60 से 70, दूसरा ऑप्शन 70 से 80, तीसरा 80 से 90 और चौथा 90 से 100। गोवंशीय पशुओं में आपने बताया था 40 से 50, तो भेड़ बकरी की प्रति मिनट नाड़ी गति कितनी होगी? जल्दी से बताएं। सैनी जी बताया 30 से 40, घोड़े में बता रहे हैं, बिल्कुल सही है आपका, घोड़े में 30 से 40 होती है। पूजा जी बता रहे हैं ए, 60 से 70। सैनी जी बता रहे हैं 70 से 80। सैनी जी का जवाब बिल्कुल सही आ रहा है, 70 से 80 नाड़ी गति सही है। विनोद कुमार जी बता रहे हैं ए, सैनी जी बता रहे हैं 70 से 80। जिसने ए बताया बेटा उनका गलत है, बी सही होगा यहाँ। जीतू राजपूत जी बता रहे हैं बी, सैनी जी बता रहे हैं गौरव दोसा से बता रहे हैं एक, तो यहाँ बी ऑप्शन टारगेट। डब्ल्यू जी बता रहे हैं 70 से 80। पूजा जी बता रहे हैं जिसने 70 से 80 बताया उनका सही है, 60 से 70 नहीं होती बेटा, 70 से 80। अगला है साइलेज में नमी की मात्रा कितने परसेंट से अधिक नहीं होनी चाहिए? साइलेज में नमी कितने परसेंट से अधिक नहीं होनी चाहिए? पहला ऑप्शन है यहाँ 65% से, दूसरा है 75%, तीसरा है 85 और चौथा है 55। जल्दी से बताएं कौन सा सही होने वाला है। साइलेज में नमी की मात्रा, जल्दी से बताएं कौन सा सही होने वाला है। 134 में ए बता रहे हैं अनुभव परमार जी, सैनी जी बता रहे हैं एक, धर्मराज जाट, राम राम बेटा, सैनी जी बता रहे हैं एक, पैंसठ से लेकर कितने परसेंट तक होती है बेटा? 70% तक होती है, 65% से लेकर 70% तक। सैनी जी बता रहे हैं 65 से 70 सही है आपका। विनोद कुमार जी बता रहे हैं एक, तो यहां जो आंसर होने वाला है वो बेटा 65% कितना है? 65%, ये बिल्कुल सही जवाब है। ओके विनोद कुमार जी बता रहे हैं एक, सभी का जवाब सही होने वाला है यहाँ। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, साइलेज बनाने के लिए सबसे उत्तम फसल कौन सी मानी जाती है? मैं बता दूं बेटा हे के लिए कौन सी फसल उपयुक्त होती है? दलहनी, जिसमें प्रोटीन अधिक होती है। साइलेज के लिए रहती है बेटा कौन सी फसलें? साइलेज के लिए जल्दी होता है कौन सी फसलें उपयुक्त होती है? डब्ल्यू टारगेट ड्राई मैटर 35 से 40% और 65 से 70%, बिल्कुल सही है आपका। 135 में बता रहे शुभम परमार जी सी, पूजा जी बता रहे सी, सैनी जी बता रहे मक्का, जिसने भी सी मक्का मेज बताया है वो सही है बेटा, मक्का बिल्कुल सही जवाब है यहाँ। धर्मवीर लोधी जी का सही है, मक्का में कार्बोहाइड्रेट, धर्मवीर जी बता रहे हैं मक्का,
सभी बता रहे हैं सी, यहां सी बिल्कुल सही जवाब है। विनोद कुमाव जी बता रहे हैं सी, सबका जवाब सी सही है। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चारे में रेशे की मात्रा कितने परसेंट होनी चाहिए, चारे में रेशा है वो कितने परसेंट होना चाहिए। पहला जवाब है अपना ऑप्शन है 18% से अधिक होनी चाहिए, पहला है 18% से अधिक, दूसरा है 18% से कम, तीसरा है नगण्य बिल्कुल जीरो मान लिया इन्होंने, चौथा है कोई नहीं। सुरेंद्र चौधरी जी अजमेर से बता रहे हैं तीन नगण्य, अच्छा पिछले प्रश्न के लिए बता रहे हैं वो बेटा सही है आपका। अनुभव परमार जी बता रहे हैं 136 में बी, पूजा जी बता रहे हैं बी, यहां गलत हो रहा है बेटा प्रश्न, जल्दी से चेक करें दोबारा कितने प्रतिशत होनी चाहिए रेशे की मात्रा। जीतू जी बता रहे हैं बी 18 से अधिक, सैनी जी का जवाब सही है, सैनी जी ने बताया पहला ऑप्शन यह 18 से अधिक इनका सही है भाई। अब जीतू बासगंज जी बता रहे हैं टीडीआर 18 से अबो बता रहे हैं, डब्ल्यू टारगेट जी का सही है, सैनी जी का बता रहे हैं 18 से अधिक, राकेश शर्मा जी का ए, जिन्होंने पहले दो तीन बार बताया था उनका गलत था बेटा, यहां ऑप्शन ए सही होने वाला है 18% से अधिक होना चाहिए। अब सबका सही है, राकेश शर्मा जी का भी ए सही है, जीतू बासोटा जी का सही है, विनोद कुमावत जी का सही है, पूजा जी बता रहे हैं अब सही है, डब्ल्यू टारगेट जी बता रहे हैं 5/18% से वो बिल्कुल सही है सभी का, अनिल बहरवा जी बता रहे हैं बी, नहीं बेटा ए होगा। चलो अगला प्रश्न अपना, दूध देने वाली गाय को किस खनिज की आवश्यकता अधिक होती है, जो दूध देगी उसको कौन से खनिज की आवश्यकता बेटा अधिक होगी। पहला है अपना कॉपर या कह सकते हैं तांबा, दूसरा है कैल्शियम, तीसरा है गंधक सल्फर और चौथा है आयरन। दूध देने वाले गाय को कौन से खनिज की आवश्यकता अधिक होती है, पूजा जी बता रहे हैं बी कैल्शियम, सैनी जी बता रहे हैं बी, धर्मवीर लोधी जी बता रहे हैं बी, अनुभव परमार जी का बी, सैनी जी बता रहे हैं कैल्शियम, बिल्कुल विनोद जी सबने बताया कैल्शियम, तो यहाँ कैल्शियम जवाब सही होने वाला। राकेश शर्मा जी, विनोद जी, पूजा जी सभी बता रहे हैं बी, बिल्कुल सही जवाब है इनका बी। चलो अगले प्रश्न की तरफ, कुमार जी ने डी बता दिया वापस, डब्ल्यू जी बता रहे हैं कैल्शियम नेसेसरी बिल्कुल सही है, पूजा जी बता रहे हैं कैल्शियम, अनिल बैरवा जी बता रहे हैं बी, विनोद कुमार जी का बी, सुरेंद्र चौधरी अजमेर जी बता रहे हैं बी, बिल्कुल सबका सही है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, राजस्थान में पाई जाने वाली सबसे अच्छी गाय की भारवाई नस्ल, भारवाई नस्ल पूछिए राजस्थान में पाई जाने वाली, बताएं यहां है ऑप्शन राठी, हरियाणा, थारपाकर और नागौरी, जिनका मूल स्थान राजस्थान होना चाहिए बेटा, पहला तो मूल स्थान कहां होना चाहिए राजस्थान, तो ये भी राठी भी राजस्थान की है, हरियाणा हरियाणा की होगी, थारपाकर किसकी होगी पाकिस्तान की है, और नागौरी कहां की बेटा राजस्थान, इन दोनों में से बताना है पहला और फोर्थ। सभी बता रहे हैं डी नागौरी, सैनी जी बता रहे हैं नागौरी, पूजा जी बता रहे हैं डी, जीतू राजपूत जी बता रहे हैं डी, राकेश शर्मा जी का डी, सैनी जी का नागौर, अनुभव परमार जी बता रहे हैं डी, धर्मवीर जी बता रहे हैं डी, जीतू बासपा जी नागौर बता रहे हैं, विनोद कुमार जी डी, डब्ल्यू टारगेट जी बता रहे हैं नागौरी, अनिल बेरवा जी बता रहे हैं डी, विनोद कुमार जी बता रहे हैं डी, सैनी जी नागौर, अभी विनोद जी बता रहे हैं डी, डी जीतू राजपूत जी, सभी का जवाब आ रहा है डी, पूजा जी अमृतपाल नागौरी, मालवी धर्मवीर जी बता रहे हैं नागौरी, बिल्कुल यहाँ ऑप्शन फोर्थ बिल्कुल सही होने वाला है, सभी का जवाब नागौरी है बिल्कुल सही है, इसका मूल स्थान है नागौर या मारवाड़, जोधपुर राजस्थान है इसका मूल स्थान। अगला प्रश्न है अपना, राजस्थान की काम धेनु, जिलपुरा सैनी जी ने बताया राजस्थान की काम धेनु कहते हैं बेटा राठी को, सही है। अगला प्रश्न है, निम्न में से गाय की दुधारू व भारवाई नस्ल दोनों ही प्रयोजन के लिए उपयुक्त नस्ल है, बताएं गाय की दुधारू व भारवाई दोनों ही नस्लों के लिए उपयुक्त है, दोनों ही कार्यों के लिए उपयुक्त मानी जाती है। जो पहला ऑप्शन है वो बेटा थारपारकर, पहला ऑप्शन कौन सा है थारपारकर, दूसरा है हरियाणा, तीसरा है कांकरेज और चौथा है उपरोक्त सभी, तो यहां कौन सा से सभी है सर, बिल्कुल जीतू जी बता रहे हैं सभी है, सैनी जी राजस्थान में कामधेनु राठी चंबल नदी, हाँ जीतू जी बता रहे हैं डी, अनुभव परमार जी का डी, सुरेंद्र चौधरी जी बता रहे हैं डी, अनिल बैरवा जी डी, धर्मवीर लोधी जी बता रहे हैं डी, सभी बता रहे हैं डी उपरोक्त सभी, तो यहाँ ऑप्शन में डी बिल्कुल सही होने वाला, धर्मवीर जी डी, डब्ल्यू टारगेट जी ए बता रहे हैं, नहीं बेटा डब्ल्यू जी आज आपने थोड़ी सी गड़बड़ कर दी, ए नहीं होगा, यहाँ कौन सा होगा डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगले प्रश्न की तरफ आ रहे हैं, सैनी जी बता रहे हैं ऑल, विनोद शर्मा जी, विनोद कुमार जी बता रहे हैं डी, राकेश शर्मा जी का ऑल सभी का सही है,
चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़े। भैंस की नस्ल नहीं है, निम्न में से कौन सी भैंस की नस्ल नहीं है? चार ऑप्शन दिए हुए हैं, तीन तो भैंस की है और एक भैंस की नहीं है। तो भैंस की नहीं है तो किसकी है यह भी बताना है। पहला है टोडा, पांडुरपुरी, तीसरी है नीली और चौथी है सिरी। जल्दी से बताएं कौन सी यहां सही होने वाली है। 140 से बता रहे हैं बी, बिल्कुल बेटा भैंस की नस्ल है पांडुपुरी, भैंस की नस्ल है। पूजा जी बता रहे हैं बी, नहीं बेटा ऐसे प्रश्न में आप कंफ्यूज हो रहे हो। धर्मवीर जी बता रहे हैं बी, नहीं बेटा। राकेश शर्मा जी का भी बी आ रहा है, ये भी नहीं होगा बेटा, भैंस की है। गौरव दोसा मैवा से बता रहे हैं बी। अब चेंज करने लग जाओ, सीरी तुक्का सर, सैनी जी ने तुक्का लगाया है और सीरी बिल्कुल सही है। सैनी जी ने तुक्का लगाया फिर भी सही है, यहां सी सही होने वाला, डी सही होने वाला है। बकरी की है सर, नहीं जीतू आल ये बकरी की है नहीं, टोडा भी भैंस की है, ये डी सीरी बेटा गाय की है। सीरी क्या है? गाय की नस्ल है। नस्ल सुनी कोनी सर जी, कोई बात नहीं बेटा, अब सुन लो। डब्ल्यू टारगेट जी बता रहे चार, विनोद शर्मा जी बता रहे तीन, बिल्कुल सीरी यहां फोर्थ ऑप्शन है, सही होने वाला है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं अपन, अगला है अपना, हाँ विनोद कुमार जी तीन, अब डब्ल्यू टारगेट जी बिल्कुल सही। अगले प्रश्न की तरफ आ जाए, अगला प्रश्न अपना क्या कह रहा है? पहला प्रश्न है भदावरी नस्ल की भैंस की उत्पत्ति स्थान। मैंने पहले प्रश्न बता दिया भदावर का मूल स्थान कहां है, जल्दी से बता दे। पहला है गुजरात, तीसरा है पाकिस्तान का मोंटगोमरी पाकिस्तान, तीसरा है महाराष्ट्र और चौथा है यूपी। बताने पहले क्षेत्र का भदावरी में कौन सा क्षेत्र ये बता देना बेटा। जल्दी से शुरुआत करें, कौन सा सही होगा यहां? सैनी जी बता रहे हैं तुक्का भी सही, हाँ बिल्कुल आपका तुक्का लगाया था आपने, सोच समझ के लगाया तो सही हुआ है, ऐसे तुक्का सही नहीं होता। जीतू जी बता रहे हैं ए गुजरात, बेटा गलत बता रहे हो जीतू जी, ए बता रहे हो। पूजा जी बता रहे हैं यूपी, बिल्कुल यहां सही है, भदावर स्टेट आगरा यूपी। भदावरी का जो मूल स्थान है वो कहां है? भदावर स्टेट आगरा यूपी, बिल्कुल जिसने डी जवाब दिया है आगरा यूपी, पूजा जी ने बताया सही। विनोद कुमार जी ए बता रहे हैं, सैनी जी बता रहे हैं सी, सॉरी डी बता रहे हैं सैनी जी, आपका भी सही है। अनिल बैरवा जी बता रहे हैं डी, जिन्होंने डी बताया आगरा और यूपी सही, विनोद कुमार जी ए बता रहे हैं। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ जाओ बेटा, अगला प्रश्न राष्ट्रीय पशु आनुवांशिकी ब्यूरो NBAGR जो करनाल में है हरियाणा, करनाल हरियाणा के अनुसार भारत में भैंसों की संख्या कितनी पाली जाती है? भारत में भैंसें कितनी है, कितनी नस्लें पाई जाती है भैंसों की अकॉर्डिंग टू NBAGR? पहला ऑप्शन दिया हुआ है 12, दूसरा है 10, 15 और 18। सैनी जी बता रहे हैं 18, पूजा जी बता रहे हैं 17, राकेश शर्मा जी बता रहे हैं डी, जीतू राजपूत जी बता रहे हैं डी, अनिल बैरवा जी बता रहे हैं डी, लोधी जी बता रहे हैं 18, जीतू जी बता रहे हैं सी। सभी का जवाब डी सही है, लेकिन मैं आपको बता दूं पूर्ण रूप से सही ये भी नहीं है। जो वर्तमान में नस्लों की बात करें तो बेटा कितनी नस्लें हैं? 19 नस्लें हैं। किसके अनुसार? NBAGR के अनुसार। कितनी नस्लें हैं? 19 नस्लें बेटा NBAGR के अनुसार। सर अभी ज्यादा हो गई, हाँ 19 है, 20 नहीं है बेटा 19, सर न्यू अपडेट में अब 20 है शायद 19 से बता, और चेक कर लेंगे बता देंगे आपको, अभी मेरे हिसाब से 19 नस्लें हैं। ओके चलो आगे बढ़ते हैं, एक ग्रेड के बड़े अंडे का वजन कितना होता है? यहां मुर्गी में पूछा है बेटा, मुर्गी के एक ग्रेड का जो अंडा होता है उसका वजन कितना होता है? पहले दिया हुआ 45, सामान्य की बात सामान्य का होता है 57-56, ये सामान्य ग्राम वजन होता है, 56 से 57 ग्राम वजन होता है। तो एक ग्रेड का अंडे का जो वजन होगा वो क्या है? 55 ग्राम, ये तो नहीं हो सकते सामान्य से, 60 और 70, कौन सा सही होने वाला है यहां? जीतू 62 जी बता रहे हैं 20 है, चलो बेटा कोई नहीं 20 हो गया तो आपको लिस्ट दे दी जाएगी।
जो भैंस की संख्या है NBAGR के अनुसार, जो नस्लों की संख्या अगर 20 है, 19 है, 20 है, जो भी आपको लिस्ट दे दी जाएगी ऐप पर, आप लिस्ट डाउनलोड कर लेना बेटा, जो भी है आपको बता देंगे। डब्ल्यू टारगेट जी बता रहे हैं 60 ग्राम, पूजा जी बता रहे हैं सी, राकेश शर्मा जी बता रहे हैं सी, सुरेंद्र जी बता रहे हैं सी, सैनी जी बता रहे 57 ग्राम, नहीं एक वेट का बेटा 60 ग्राम, अनिल बैरवा जी बता रहे हैं सी, धर्मवीर जी बता रहे हैं सी, जीतू राजपूत जी बता रहे सी, सभी ने जो जवाब दिया है वो होने वाला है सी। तो बेटा 60 ग्राम यहां बिल्कुल सही ऑप्शन है, सी सही ऑप्शन रहेगा, 60 ग्राम बिल्कुल सही है। डब्ल्यू टी जी बता रहे हैं 60 ग्राम, लोधी जी बता रहे हैं 60, पूजा जी बता रहे हैं सी 60 ग्राम, बिल्कुल सभी का सही होने वाला है। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, पशुओं में रिंडरपेस्ट बीमारी आरपी, रिंडरपेस्ट बीमारी किसके द्वारा होती है, पहला जीवाणु, दूसरा विषाणु, परजीवी या मोल्ड, जल्दी से बताएं रिंडरपेस्ट जो बीमारी है पशुओं में वो किसके द्वारा होती है, रिंडरपेस्ट पशु बीमारी किसके द्वारा होती है, जल्दी से बताएं यहां कौन सा ऑप्शन सही होने वाला है। सैनी जी बता रहे हैं दो विषाणु, रिंडरपेस्ट बेटा, सैनी जी दो बता रहे हैं, जीतू बैरवा जी बी, चौधरी जी अजमेर से बता रहे हैं बी, पूजा जी बता रहे हैं बी, सैनी जी बता रहे हैं बी, अनुभव परमार जी बता रहे हैं बी, जीतू जी बता रहे हैं बी, डब्ल्यू जी बता रहे हैं वायरस, सुरेंद्र जी बता रहे हैं बी, राकेश शर्मा जी बी बता रहे हैं, अनिल बैरवा जी बता रहे हैं बी, विनोद कुमाऊ जी बता रहे हैं बी, विषाणु, रिंडरपेस्ट, गौरव दोसा महवा से बता रहे हैं बी, धर्मवीर जी बता रहे हैं बी विषाणु, बिल्कुल सही जो आप इतने लोग बता रहे हैं विषाणु, तो बिल्कुल कौन सा होगा विषाणु सही है बेटा। चलो संजू चौधरी जी बता रहे हैं बी सही है। अगला प्रश्न है पशुओं के पिछले हिस्से कंधों तथा गर्दन पर सूजन, या कह सकते हैं मांसल भागों पर सूजन, इनका मतलब होता है बेटा मांसल भाग पर सूजन, लगड़ाना, पशु लंगड़ा कर चलता हो, रोगी हिस्से पर दबाव डालने पर कड़कड़ की आवाज आना, किस बीमारी के लक्षण है, उत्तर है यहां ब्लैक क्वार्टर BQ, दूसरा है HS हेमरेगिक सेप्टिसीमिया, HS का है हेमरेगिक सेप्टिसीमिया, HS दूसरा है, तीसरा है FMD और चौथा है रिंडरपेस्ट, जल्दी से बताएं कौन सा सही होने वाला है। अनिल बैरवा जी का जवाब सबसे पहले आया है ए, सैनी जी बता रहे हैं ब्लैक क्वार्टर, राजपूत जी बता रहे हैं ए ब्लैक क्वार्टर, धर्मवीर जी बता रहे हैं एक, सभी का जवाब जो आ रहा है वो आ रहा है ब्लैक क्वार्टर BQ, बिल्कुल पहला ही ऑप्शन यहां सही होने वाला है। पशुओं के जो मांसल भाग हो उनमें सूजन आना, उनको दबाने पर कड़कड़ की आवाज आना, पशु का लंगड़ा कर चलना, ये सब लक्षण किसके बेटा ब्लैक क्वार्टर के, पहला ऑप्शन यहां सही है। चलो अगला प्रश्न है अपना, गाय की दूध नलिकाओं में क्या प्रवाहित होता है, जो दुग्ध नलिकाएं होती हैं, दुग्ध सिराएं कह सकते हैं वेंस, दुग्ध सिराएं, उनमें क्या प्रवाहित होता है, पहला दिया हुआ है पानी, दूसरा दूध खून या दूध व खून दोनों, दुग्ध सिराओं में क्या बहता है, दुग्ध सिराओं में क्या बहता है, दुग्ध सिराओं में क्या बहता है, जल्दी से बताएं ब्लड, बता सैनी जी बता रहे हैं ब्लड, बिल्कुल सही है आपका। मोटिवेशन फैक्ट जी बता रहे हैं दो, दूध नहीं बेटा, सैनी जी बता रहे हैं ब्लड, मोटिवेशन जी फिर भी बता रहे हैं, सुरेंद्र जी बता रहे हैं बी, जीतू जी बता रहे हैं बी, धर्मवीर जी बता रहे हैं बी, राकेश शर्मा जी बता रहे हैं डी, मोटिवेशन जी बी बता रहे हैं, फिर भी बता रहे हैं, यहां बेटा जो ऑप्शन सही होने वाला है वो कौन सा है, सी रक्त बहता है, क्या बहता है रक्त। अब दूध भी तो बहता है, क्या दूध व खून दोनों मान सकते हैं, नहीं बेटा दूध व खून नहीं मानेंगे, क्यों, क्योंकि कभी भी दूध बहता नहीं, सिराओं में कभी भी दूध बहता नहीं है, 500 ml रक्त से 1 ml दूध तैयार होता है, लेकिन दूध कभी भी सिराओं में बहता नहीं, इतना ध्यान रखना। यहां तीसरा ऑप्शन है
सही होने वाला है रक्त। चलो अगले पर्सन की तरफ हम बढ़े हम, तो अगला पर्सन है अपना दाद, रिंगवर्म। किसके द्वारा होता है दाद रोग? होता है चमड़ी पर होने वाला चर्म रोग, वो किससे होता है? पहला जो अपना ऑप्शन दिया हुआ वो जीवाणु, दूसरा है फफूंद, तीसरा शैवाल और चौथा विषाणु। रिंगवर्म या दाद किससे होता है? धर्मराज जाट जी बता रहे हैं सिविल को पहले वाले में सही था बेटा। अगले पर्सन की तरफ आ जाओ। मोटिवेशन फैक्ट जी बता रहे हैं फोर्थ फोर्थ फोर्थ। अनुभव परमार जी का 147 में सी। संजू जी बता रहे हैं बी। मोटिवेशन फैक्ट जी बता रहे हैं डी। सुरेंद्र चौधरी बता रहे हैं अजमेर से डी। डब्ल्यू जी बता रहे हैं फनल, फंगल इंफेक्शन फफूंद से, बिल्कुल सही है। राकेश शर्मा जी का सी है। मोटिवेशन फैक्ट का जी फोर। संजू जी बता रहे हैं बी। जिसने भी बी फंगल इंफेक्शन फंगस बताया, फफूंद बताया, वो सही है। सेकंड ऑप्शन अपना यहां सही होने वाला है फंगस। ये विषाणु से बेटा नहीं हो सकता, विषाणु से फंगस कैसे होगा? जो दाद है रिंगवर्म में होता है बेटा फंगल इंफेक्शन। यहां बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगले पर्सन की तरफ आ जाऊं। अगला है किस बीमारी के लिए गोट टिश्यू वैक्सीन जीटीवी का प्रयोग किया जाता है? कौन सी बीमारी के लिए जीटीवी वैक्सीन लगाता है? कौन सी बीमारी के लिए जीटीवी वैक्सीन लगाते हैं? पहला है खुर पका मुंह का एफएमडी, दूसरा है रिंडरपेस्ट, तीसरा है एचएस और चौथा है बीक्यू ब्लैक क्वार्टर। बताएं जीटीवी वैक्सीन किसके लिए लगाते हैं? सभी बता रहे हैं बी रिंडरपेस्ट। जीतू जी बता रहे हैं बी। लोधी जी बता रहे हैं बी। बिल्कुल यहां सही ऑप्शन कौन सा है? रिंडरपेस्ट। आरपी यहां सही है। रिंडरपेस्ट के लिए कौन सी वैक्सीन लगाते हैं? गोट टिश्यू वैक्सीन। संजू जी बता रहे हैं बी। जिसने भी बी बताया उनका सही है, बी ऑप्शन यहां बिल्कुल सही है। 149। अगला पर्सन है अपना अनिल बैरवा जी का सही है। धर्मवीर जी लोधी जी का सही है। सुरेंद्र चौधरी जी का सही है। डब्ल्यू टारगेट जी बता रहे हैं बी। धर्मवीर जी बता रहे हैं बी। अनुभव परमार जी का बी। सैनी जी बता रहे हैं रिंडरपेस्ट। मोटिवेशन फैक्ट जी बी। बिल्कुल सही है आपका मोटिवेशन फैक्ट, बिल्कुल बी सही है आपका। अगले पर्सन की तरफ बढ़ते हैं। एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन एंड रिलैक्सेशन हार्मोन किस ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है? पहला ऑप्शन है अंडाशय, दूसरा है एड्रिनल ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्रंथि या थायराइड ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि द्वारा होता है? मोटिवेशन फैक्ट जी बता रहे हैं बी एड्रिनल, नहीं सैनी जी बता रहे हैं बी। सैनी जी फिर भी बता रहे हैं नहीं, मोटिवेशन फैक्ट बता रहे हैं बी, लगातार बी भी बता रहे हैं। जल्दी से बताएं यहां कौन सा सही होना। धर्मवीर जी बता रहे हैं बी। जीतू बासोटा जी बता रहे हैं डी। राकेश शर्मा जी बी। अनिल बैरवा जी का बी। सैनी जी का बी। सुरेंद्र चौधरी जी का बी। सुरेंद्र चौधरी जी। जीतू राजपूत जी बता रहे हैं, लोधी जी भी बता रहे हैं। डब्ल्यू टारगेट जी का भी तो जवाब नहीं है, उनके जवाब का इंतजार है। सुरेंद्र जी बता रहे हैं तीन पिट्यूटरी। डब्ल्यू टारगेट जी ने ए, जिसका इंतजार था वही हुआ। डब्ल्यू टारगेट जी ने बताया ए और अंडाशय, बिल्कुल सही जवाब आपका। इनसे जो उम्मीद थी उन्होंने बिल्कुल उम्मीद पे खड़े उतरे। 149 में एक बताया है और वो सिर्फ बताया डब्ल्यू, जिनका टारगेट था उन्होंने, उनकी तैयारी बहुत अच्छी बेटा, उन्होंने बताया अंडाशय। तो जो एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन और रिलैक्सेशन तीनों ही हार्मोन कहां से स्रावित होते हैं? अंडाशय से स्रावित होते हैं बेटा। बिल्कुल पहला जवाब यहां सही है, पहला जवाब बिल्कुल सही है। अगले पर्सन की तरफ सैनी जी ने, कोई बात नहीं बेटा गलत हो जाता है, इसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, गलत हो जाता है। अभी फाइनल एग्जाम में वक्त बाकी है, इसी की तैयारी चल रही है। राजपूत जी बता रहे हैं जीतू जी बिल्कुल सही। अरे सर मैंने तो कब का दिया था, अच्छा बेटा देखा नहीं होगा मैंने। अभिनव परमार जी ने ए बताया भाई, उनका सही था, मैंने देखा नहीं होगा। चलो अगले पर्सन की तरफ आ जाओ बेटा। अगला पर्सन अपना, निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ दे रखा है पशु का नाम, दूसरा दे रखा है वैज्ञानिक नाम। पहला है भेड़, भेड़ का वैज्ञानिक नाम दिया है ओविस एरिस। दूसरा दिया है भैंस, बुबेलस बुबेलिस। तीसरा दिया है सुअर, सस डोमेस्टिकस। और चौथा दिया है ऊंट, डक्यूस केबेलस। 150वां लास्ट क्वेश्चन है और मोटिवेशन फैक्ट जी ने बताया चार,
सेनी जी ने बताया चार, संजू जी ने बताया चार, मोटिवेशन फैक्ट बेटा चार, जीतू बासदा जी बता रहे हैं डी, धर्मवीर जी बता रहे हैं डी, सैनी जी बता रहे हैं चार, धर्मराज जाट जी बता रहे हैं चार। सभी का जो जवाब आ रहा है वो बेटा है कौन सा, चार ऊंट। बिल्कुल सही जवाब है। ऊंट का वैज्ञानिक नाम क्या होगा बेटा, ये अगर गलत है तो सही कौन सा होगा ये बता दे, और साथ बता दे ऊंट को राजकीय पशु, ऊंट को राज्य पशु का दर्जा कब दिया गया था, ऊंट को राजकीय पशु का दर्जा कब दिया गया, कैमेलस बैक्टीरियंस, ऊंट का बता रहे हैं कैमेलस बैक्टीरियंस। ऊंट को राजकीय पशु का दर्जा मिला था बेटा 2014 में, जिसने बताया 2014 वो सही है, 2014 में राजकीय पशु का, सैनी जी ने सबसे पहले बताया था। इन सबकी टेलीग्राम पर पीडीएफ डाल देना बेटा, टेलीग्राम पर ये टेक्निकल टीम डाल देगी बेटा, आप जो भी है वो बता दिया करो। दिसंबर 2014, बिल्कुल दिसंबर 2014 नहीं है बेटा, आपने जिसने दिसंबर बताया वो नहीं है, दिसंबर नहीं होगा, अप्रैल, अप्रैल 14। धर्मराज जाट ने 14 बताया, कैमल बैक्टीरियंस 2014 बिल्कुल सही है। तो यहां अपना जो लास्ट क्वेश्चन था वो यही था। एक मैं आपको और बता दूं, यहां आपके सामने नाम लिखा हुआ है सुअर, सस डोमेस्टिकस, सस डोमेस्टिकस, आपको बताना है गेलस डोमेस्टिकस किसका है, गेलस डोमेस्टिकस, गेलस डोमेस्टिकस जो वैज्ञानिक नाम है वो किसका है। इसके बाद आपको बताना है मेलस डोमेस्टिकस, जल्दी से बताएं गेलस डोमेस्टिकस और मेलस डोमेस्टिकस किसका वैज्ञानिक नाम है। अनुभव परमार जी ने थैंक यू कर दिया है बेटा, सर खत्म। हाँ बेटा, सैनी जी बता रहे हैं मुर्गी, बिल्कुल गेलस डोमेस्टिकस जो वैज्ञानिक नाम है वो है बेटा मुर्गी का, सही है। अगला बताएं मेलस डोमेस्टिकस किसका है, राकेश शर्मा जी ने मुर्गी बताया, सैनी जी ने मुर्गी बताया, आपका सही है। संजू जी ने बताया हेन का, बिल्कुल सही। मोटिवेशन जी बता रहे हैं मुर्गी, बिल्कुल सही है आपका। मेलस डोमेस्टिकस का भी एक बार बता दें, एप्पल का संजू चौधरी बता रहे हैं एप्पल, बिल्कुल सही है। डब्ल्यू टारगेट जी बता रहे हैं गेलस हेन का, मोटिवेशन जी बता रहे हैं मुर्गी, सही है। सर एजी सुपरवाइजर के नोट्स मिल जाएंगे क्या, जीतू बासरा जी जो आपको बताया हुआ है, ये नाम लिखा हुआ है आपका शिखर द लर्निंग ऐप, इस नाम का कोई ऐप डाउनलोड कर ले आप, इस नाम का जो ऐप है प्ले स्टोर से डाउनलोड कर ले, वहां अलग अलग टाइप की पीडीएफ मिल जाएगी आपको, बहुत से क्वेश्चन पेपर पीडीएफ नोट्स आपको मिल जाएंगे। टर्की शायद सैनी जी बता रहे हैं टर्की, सुरेंद्र चौधरी अजमेर टेलीग्राम में एड करो ना बेटा, जो कल की जो क्लास होगी उसमें आपको टेलीग्राम का इन सब का लिंक जो डिस्क्रिप्शन है ये जो अपना कमेंट बॉक्स होता है उसमें दे दिया जाएगा। धर्मवीर लोधी जी धौलपुरिया बता रहे हैं सेब, सही है। तो जो अपना मेलस डोमेस्टिकस है बेटा वो सेब एप्पल का वैज्ञानिक नाम है, कौन सा है, एप्पल का। सभी को धन्यवाद, चलो बेटा गुड नाइट, अपनी तैयारी जारी रखें, लगे रहे अपने जो धर्मराजा टेलीग्राम का लिंक बेटा कल दे देंगे, अभी टेक्निकल टीम से कह के मैं कल आपको ये लिंक जो भी आपको डलवा दूंगा बेटा, लिंक टेलीग्राम का जो भी होगा आपका वो आपको डलवा दिया जाएगा, इसमें आप वो देख लेना कल वाले में। चलो सभी को बेटा धन्यवाद, अपनी तैयारी यूं ही जारी रखें, सभी को गुड इवनिंग, गुड नाइट, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत। सुरेंद्र चौधरी जी अजमेर से थैंक यू, थैंक यू बेटा। धर्मराज झा जी एप्पल बता रहे सही है, थैंक यू सो मच बेटा, थैंक यू सभी को, थैंक यू जी, बहुत अच्छे पढ़ाते हो सर, थैंक यू बेटा। राजपूत जी बता रहे थैंक यू, लोधी तौर पर राधे राधे, राधे राधे बेटा आपको, सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, राम राम। चलो बेटा आज की क्लास के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे इसी टाइम पर अगले जो अपना 151 से लेकर 180 तक के प्रश्नों के साथ कल मिलने वाला है। ओके बेटा, धन्यवाद सभी को।